हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी थेपला बिस्किट्स की रेसिपी। है ना, एकदम यूनिक सा नाम और एकदम यूनिक सी रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगी, जिसका टेस्ट एकदम मेथी से बने हुए थेपला की तरह है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड खस्ता और लेयर वाली ये कुकीज़ बनती है। मैं आपको कुकीज़ को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर एकदम क्रिस्पी है, खस्ता है। तो इस दिवाली आप भी अगर अपने मेहमानों से तारीफ़ पाना चाहते हैं तो कुछ अलग और ये मेथी के फ्लेवर से बनी हुई बिस्किट्स को बनाइए और सर्व कीजिए। और इसका टेक्सचर तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खस्ता एंड क्रिस्पी बनी है। तो चलिए जल्दी से ये मेथी थेपला कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है 100 ग्राम बटर। बटर जो है यहाँ पे मैंने सॉल्टेड लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे है, यानी कि सॉफ्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा पिघला हुआ भी नहीं है। तो आपको भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी का बटर यूज़ करना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा पिघला हुआ बटर लेना है। तो पहले बटर को हम थोड़ा सा बीट करके सॉफ्ट एंड स्मूथ कर लेते हैं। ये कुकीज़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करना है। तो थेपला में भी हम थोड़ा सा स्वीटनेस ज़रूर से ऐड करते हैं, तो ये मेथी के जो टेस्ट है उसको बैलेंस करेगा। इसलिए सिर्फ 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करके इस मिक्सचर को फ्लफ़ी क्रीमी होने तक अच्छे से बीट कर लेना है, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। बस यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बाकी ये बिस्किट्स बनाना बहुत आसान है। अब अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया है तो 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, और अगर अनसॉल्टेड बटर लिया है तो आपको 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून यानी कि 15 ml रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ऐड करना है। अब फिर से इस मिक्सचर को सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक मिक्स कर लेना है, लगभग 3 से 4 मिनट होंगे। और ये कुकीज़ घर की चीज़ों से ही बन जाती है, मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं हमारे घर में अवेलेबल ही होती हैं, और इस बिस्किट्स को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा, 1 कप और दूसरा 1/2 कप, जिसमें से अभी मैं 1 टेबलस्पून मैदा बचा लेती हूँ। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1/2 कप कसूरी मेथी, यानी कि सूखी हुई मेथी, जिसको हाथों से इस तरीके से क्रम्बल करते हुए ऐड करना है। अगर हम फ्रेश मेथी ऐड करेंगे तो इसमें जो है मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कसूरी मेथी का ही यूज़ करना है। पहले सब कुछ विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हाथों से इसका आटा गूँथ लेना है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन अगर आपको आटा गूँथने के बाद ज़्यादा गीला लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको आटा सूखा लगे तो आप इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा रेडी कर लिया है और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही गीला लग रहा है, तो मैं इसमें 2-3 चम्मच मैदा और ऐड कर देती हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। तो ये देखिए मैंने 2-3 चम्मच मैदा और ऐड किया था और अब ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, और इस तरीके से आप छोटी छोटी कुकीज़ बना सकते हैं, लेकिन आज मैं कुकी कटर से इन बिस्किट्स को कट करके बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेती हूँ और इसी को पूरा मैं रोल कर लूँगी। लेकिन आप चाहे तो हाथों से शेप देकर छोटी छोटी बिस्किट्स भी बना सकते हैं। तो किचन प्लेटफॉर्म पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आटा चिपक जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा बटर है। बटर ज़्यादा है लेकिन ये बिस्किट्स जो हैं वो बिना फ्राई किए हम बनाएंगे, बेक करके बनाएंगे, तो ये हेल्दी है। तो मैंने यहाँ पे इसको 1/2 सेंटीमीटर थिकनेस का रोल कर लिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करके उनको बेल देती हूँ ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। यहाँ पे मैंने फ्लावर शेप का कुकी कटर लिया है। आपके पास जो भी कुकी कटर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल ग्लास से आप राउंड बिस्किट्स इसमें से कट कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे से इसमें से सुंदर बिस्किट्स बन जाते हैं, बहुत ही प्यारा सा शेप आएगा
और देखने में भी ये बिस्किट्स काफ़ी सुंदर लगेंगे। अब यहाँ पे हम एक बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा के ग्रीस कर लेंगे, साथ ही में ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इन बिस्किट्स को ट्रे में अरेंज करके रख देंगे। तो बिस्किट्स को बेक करने के लिए पहले ओवन को प्री हीट करना ज़रूरी है, तो ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दें। उसके बाद इन बिस्किट्स को ट्रे में अच्छे से अरेंज कर लेंगे। थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे क्योंकि बिस्किट्स को बेक होने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखेंगे। और इन बिस्किट्स को हम 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, क्योंकि सबकी जो बिस्किट्स की थिकनेस है वो अलग अलग होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पतले बिस्किट्स भी मत बनाइएगा, तो हाफ सेंटीमीटर थिकनेस होगी तो 12 से 13 मिनट में ये बेक हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा थिकनेस होगी तो 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो बाकी का बचा हुआ डो फिर से इकट्ठा करके उसको बेलकर फिर से उसमें से कुकीज़ इस तरीके से बना लेंगे, और कुकीज़ को 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। मेरी इन कुकीज़ को बेक होने में टोटल 13 मिनट्स लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकीज़ को बेक करके अच्छे से ठंडा कर लिया है, और बाकी का लास्ट में जो बचा हुआ डो था उसमें से मैंने गोल कुकीज़ बना ली थी, उनको इन कुकीज़ को बेक होने में 18 मिनट लगे थे। तो कुकीज़ की थिकनेस पे डिपेंड है कि कितना टाइम लगेगा। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी थेपला फ्लेवर की मेथी वाली बिस्किट्स। इस दिवाली आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और आप इनको बना करके पूरा एक महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी से अगर आप बना के रख देंगे तो आपका दिवाली का काम बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बनती है, एकदम यूनिक सा इसका फ्लेवर है। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आप बना करके मेहमानों को सर्व करोगे तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और जो थेपला लवर्स हैं उनको भी ये बिस्किट्स बहुत पसंद आएगी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम फ्लेकी है, आप इसके अंदर लेयर्स देख सकते हैं, सारे फ्लेक्स देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, एकदम खस्ता है, क्रिस्पी है, और इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब है। अंदर का टेक्सचर देखिए, एकदम माउथ मेल्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बिस्किट बनी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक मस्त रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।